यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया जो है स्टार्ट थी, और स्टार्टिंग में यहाँ पे 8 जिलों में भर्ती हुई है। 8 जिलों में भर्ती होने के बाद यहाँ पे फिरोजाबाद में जो है भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट थी। उसके बाद यहाँ से 3 दिन हो गए जिसमें कुशीनगर जिले को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे कुशीनगर का फॉर्म जो है आपको कैसे फिलअप करना है उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट और आई बटन लिंक में डाल दूंगा। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे कि कुशीनगर में जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई है उसकी लास्ट डेट यहाँ पे क्या रखी गई है। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे क्या क्या लगेंगे, आय प्रमाण पत्र आप किसका लगाएंगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यूपी की जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया है उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फाइल है उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा, जिसे आप पूरा फुल रीड करके यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन करने से पूर्व क्या नियम और शर्तें रखे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, साथ ही यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करें ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। यूपी की जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया वह 53,000 पदों पर भर्ती के लिए स्टार्ट किया गया है। तो यूपी में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों को मिलाकर के यहाँ पे 53,000 पदें नियुक्त की गई हैं, जिनमें हर ज़िले में कितने पद खाली हैं ये उनके विज्ञापन जारी होने के बाद ही पता होता है। तो जिस भी ज़िले का विज्ञापन जारी होता है विज्ञापन के उसी ही डेट से आप 21 दिनों के अंदर जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए balvikasup.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन करना होगा। साथ ही अब जो कुशीनगर की वैकेंसी निकली है उसकी लास्ट डेट यहाँ पे 6 जून कर सकते हैं। यहाँ पे 6 जून तक उसका आप कुशीनगर से अगर बिलोंग करते हैं तो ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर जो है आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट देने हैं उसे किस तरीके से यहाँ पे आपको तैयार करने हैं वो आपको यहाँ पे समझ लेने हैं। यहाँ पे एक पोस्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं बाल विकास सेवा परीक्षा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के लिए आंगनबाड़ी 2021 की भर्ती प्रक्रिया की अंतिम तिथि 6 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। जो उम्मीदवार अभी भी जो है यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी कर पाए हैं वह लोग 6 जून तक यहाँ पे कुशीनगर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की जो सीट यहाँ पे है आंगनबाड़ी वर्कर की, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर की, और यहाँ पे हेल्पर आंगनबाड़ी हेल्पर यानी कि सहायिका का भी पद यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे सहायिका के पद के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो उसके लिए 5वीं पास होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आप आंगनबाड़ी वर्कर और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर पद के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 12वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि 10वीं पास आप यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी वर्कर और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर के पद पर करेंगे। अगर आप सहायिका पद के लिए करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको 5वां पास होना बहुत ही ज़रूरी है। आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया की जो पूरी PDF फाइल है आप यहाँ देख सकते हैं 7 पेज की फाइल है। इस PDF फाइल में आपको फॉर्म से लेकर करके यहाँ देखेंगे इस तरीके का फॉर्म आपको दिखाई देगा। फॉर्म से लेकर के इसके पूरे गाइडलाइंस को यहाँ पे इस PDF फाइल में समझाया गया है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा, वहाँ पर डाउनलोड करके आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या नियम और शर्तें बनाए गए हैं, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी केंद्र की कार्यकर्ता है तो शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिका है तो शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो आप अपना डॉक्यूमेंट लगाएंगे अगर कार्यकर्ता के पद पर यहाँ पे मिनी या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर करते हैं तो यहाँ पे आप अपने 5वीं पास के बाद से 8वीं के मार्कशीट, 9वीं, 10वीं, ग्यारहवीं, 12वीं यहाँ पे ग्रेजुएशन तक का आप अपना लगा सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन के ऊपर की पढ़ाई अपनी की है तो यहाँ पे उसके मार्क्स जो है जोड़े नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेरिट के आधार पे भर्ती प्रक्रिया बनाई गई है। तो आपकी जो योग्यता है वह ग्रेजुएशन तक के ही मेरिट जोड़ी जाएगी। ग्रेजुएशन तक के ही मेरिट को आपको जोड़ करके यहाँ पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, उसके हिसाब से फिर भर्ती प्रक्रिया का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर उसके बाद भी आपने पढ़ाई कर रखी है तो उसके मेरिट यहाँ पे नहीं बनेंगे। साथ ही आप देखेंगे अगर आयु सीमा की हम बात करें तो यहाँ पे 21 से 45 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है।
अगर यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयन करते हैं तो ऐसी सीमा यहाँ पे रखी गई है उन महिलाओं के लिए जो पहले से कार्यरत हैं आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर, वो यहाँ पे कार्यकर्त्री के पद पर अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए 50 वर्ष की सीमा रखी गई है कि 50 वर्ष से अधिक ना हो। आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों में आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 के प्रमाण पत्र जो है उनके पास होना बहुत ही जरूरी है। चयन हेतु पात्रता जो अर्हता जो यहाँ पे रखी गई है, सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली महिला ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो, सहायिका से कार्यकर्त्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित ना हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में ना किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति चयन प्रक्रिया यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को जो है सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। यहाँ देखेंगे सबसे को प्रथम वरीयता देते हुए किया जाएगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गरीबी रेखा हेतु आय का निर्धारण समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या के अनुसार होगा। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक में आयु सीमा हेतु कटाफ निर्धारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,000, अगर आप शहरी क्षेत्र हैं तो 56,000 यहाँ पर आपको बनाना होगा। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आप जो अपना आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे वो जो है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आप अपना लगाएंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ पे शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पर जो है अपने हस्बैंड का भी लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपना भी बनवा सकती हैं। और यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र आप अपना बनवाएंगे वो 46,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये विशेष ध्यान देना अगर आप ग्रामीण इलाका से हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे आपका ₹56,460 से ऊपर का नहीं होना चाहिए आय प्रमाण पत्र आपका, फिर आप उसे यहाँ पे लगाएंगे। साथ ही अगर यहाँ पे आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली हैं और यहाँ पे जो है आरक्षण को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम उन्हीं उसी गांव के उसी ही महिला को जो है सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा जिनका मेरिट भी अच्छा रहेगा, और यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएँ हैं सर्वप्रथम यहाँ पे उन्हें वरीयता दिया जाएगा इस चयन प्रक्रिया में। तो इस पीडीएफ फाइल में बहुत ही सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसे आप डाउनलोड करके आसानी से यहाँ पे पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना। देखिए यहाँ पे मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया जो बताई गई है, देखिए अगर आपका जो है परसेंटेज, यहाँ पे मैं मोटा मोटा हेडिंग बताऊँगा कि अगर आपका यहाँ पे परसेंटेज दोस्तों जैसे कि 60% है, अगर आप 60 से उसे यहाँ पे 10 से विभाजित करने पर जितना अंक प्राप्त होगा वही आपका यहाँ पे अंक माना जाएगा, यानी कि आपके जो है 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक का जितना भी मेरिट होगा अंक जोड़ा जाएगा, उसके बाद जितना परसेंटेज बनेगा उस परसेंटेज को 10 से भाग दिया जाएगा, और 10 से भाग देने पर यहाँ पर जितना आता है उतना ही मेरिट आपको यहाँ पे माना जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका 45% है उसे 10 से भाग देने पर विभाजित करने पर यहाँ पर 4.5 हुआ, तो यानी कि 4.5 अंक आपको यहाँ पर मिल गए। इसी प्रकार से सभी का किया जाएगा, जिनका ज़्यादा होगा इस अंक की गिनती को उन्हीं की यहाँ पे सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। तो पूरी ये प्रक्रिया जो है आपको ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके पढ़ लेनी है, और इसमें सब कुछ स्पष्टली बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आप अपना सिग्नेचर वगैरह और फोटो वगैरह अपलोड करेंगी उसका साइज जो है यहाँ पे फोटो का साइज 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों का आप ये सब देख करके अपने फॉर्म पर अपलोड करेंगे। भर्ती प्रक्रिया सेम इसी प्रकार से रहेंगी, इसका मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में और आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ से देख करके पूरी प्रक्रिया अपना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, साथ ही मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।